नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से, मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, बहुत से व्यूअर्स ने मेरे से पूछा था, कमेंट्स किया था कि भैया ये आयरन डस्ट कहाँ से मिलेगा, आप पौधों में गमलों में जो आयरन डस्ट डालते हैं, ये आयरन डस्ट देखिए, ये मैंने लग रखी है, ये देखिए, ये आयरन डस्ट इस तरह से, ये आयरन डस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बड़ा रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक जगह वीडियो बनाया और वहाँ पे जाके, क्योंकि मैं समझाता था आप लोगों के कि लेंथ मशीन जहाँ लगी होती वहाँ से आपको आयरन डस्ट मिल जाएगी, आपके शहर में, कस्बे में, मोहल्ले में, जहाँ भी आप रहते हैं हर जगह आयरन डस्ट मिल जाएगी। मगर आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भैया ये लेंथ मशीन क्या होती है, खराद मशीन क्या होती है। तो मेरे को जाना पड़ा जहाँ से मैं ये आयरन डस्ट लेके आता हूँ, ये आयरन डस्ट जहाँ से मैं लेके आता हूँ, तो उन भैया के पास मेरे को जाना पड़ा। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लोग पूछ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, मगर मशीन देख के समझ जाएंगे कि आयरन डस्ट कहाँ से मिलेगा। तो मैं भैया के पास गया और जाने के बाद उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आप बना लीजिए, मगर चक्कर क्या, हर आदमी थोड़ा सा ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, किस कारण से वीडियो बना रहे हैं, हमारी मशीनों की फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कहीं हर आदमी सोचता है कि यार पता नहीं, आदमी के अंदर तरह तरह के दिमाग में बात आती है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर, वो उनसे मैं परिचित था बहुत अच्छी तरह से, तो उन्होंने वीडियो मेरे को बोला कि आप वीडियो बना लीजिए। तो मैंने वहाँ पे जाके उनका वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो वीडियो कैसा है और क्या भैया ने क्या दिखाया। इसमें मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, उसमें जो महीन पार्ट, जो इस तरह से महीन पार्ट है जो मैंने उठाया, वही आपको लेना है। उसमें जो मोटा मोटा पार्ट है वो आपको नहीं लेना है। वो जो एक मशीन मैंने चलवा के दिखाई है भैया से, ऐसे ऐसे ग्राउंड जिन्होंने एक नीचे से ऐसे लगाया हुआ है, जिसको सिलेंडर बोलते हैं, वो सिलेंडर जो लगाया हुआ है, उस सिलेंडर के बाद उन्होंने मशीन चालू की है। वो जो मशीन चल रही है, उसी मशीन के नीचे डब्बे में, उसी मशीन के नीचे जो डब्बे में आप देखिएगा, डब्बे मशीन के नीचे एक डब्बा रखा हुआ है, उसी डब्बे के नीचे आप देखिएगा चौकोर सा, वो ये डस्ट, ये जो आयरन डस्ट है उसी के नीचे इस तरह से दिख रही, जो मैंने हाथ से उठा के दिखाई है, वही वाली आपको आयरन डस्ट लेनी है। फिर मैंने कई जगह बड़ी बड़ी जो लेंथ मशीनें हैं उन पे मैंने हाथ लगाया है, उसमें उनका चूरा उठा के दिखाया है, वो मोटा मोटा पार्ट है, वो नहीं लेना है। वो आप लेंगे तो जैसे मैंने ऐसे भरा, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से दबाया आयरन डस्ट को, ये मेरे हाथ में कहीं चुभ नहीं रहा। अगर आप वो मोटा मोटा पार्ट ले लेंगे तो वो आपके हाथ में लग जाएगा, आपके हाथ में चुभेगा, आप मिट्टी बनाएंगे तो हो सकता है आपके हाथ को भी चोट पहुँच सके। मगर इस तरह से देखिए मैंने इसको ऐसे किया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप वहाँ से वही ले जो महीन पार्ट है, जिस मशीन को मैंने डब्बे के, मशीन के नीचे एक डब्बा रखा हुआ, वही वाला पार्ट आप वहाँ से लिए। मैं आपको अभी जो है ना वही वीडियो चला के दिखाता हूँ कि मैं भैया के पास गया और इसके बाद में उन्होंने मेरे को वीडियो बनाया। ये आप ये
आपने अभी ये वीडियो देखा जो भैया के यहाँ से मैं बना के लेके आया और आपको दिखाया ये वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। अब तो आप पहचान गए होंगे कि आयरन डस्ट कहाँ से मिलनी है। अब आपको अपने शहर में किसी मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ से इस तरह से आप आयरन डस्ट ले लिए। महंगी महंगी आयरन डस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये भैया ने बताया था मेरे को कि जैसे लोहा, मेरे को तो खैर वो कभी पैसा नहीं लेते मेरे से, मगर आपसे तो पैसा लगेगा ही लगेगा। जैसे लोहा, उन्होंने कहा कि कबाड़, जो लोहा लोहे का जो कबाड़ होता है वो, उसका भाव, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको रेट मत समझिएगा, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 30 रुपये किलो है, तो ये उससे 3-4 रुपये सस्ता रहता है। तो अगर वो 30 रुपये किलो लोहा है, पुराना लोहा, तो ये 25 रुपये 26 रुपये किलो जाता है। तो आप ये मान लीजिए 20 रुपये किलो अगर लोहा है तो आपको ये 14-15 रुपये किलो मिल जाएगा। अगर ये लोहा, पुराना लोहा 40 रुपये किलो है, तो ये आपको 35 रुपये किलो मिल जाएगा। ये भाव आपको मिलेगा इसका, और आप दूर दूर से मंगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर में मोहल्ले में जाके इस तरह की मशीनें देखिए, उनके यहाँ जाके बोलिए भैया मेरे को आयरन डस्ट चाहिए, वो आपको आयरन डस्ट दे देंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइक तो ज़रूर करें। देखिए जो लोग मेरे को सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बटन जब आप लाइक का दबाते हैं तो उससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। उस हौसला जब बढ़ता है तभी तो हम आपको लिए जाके हर जगह से घूम घूम के नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करके आपको देते हैं, और तरह तरह के वीडियो बना के आपको दिखाते हैं कि ये आयरन डस्ट कहाँ से मिलेगा इस तरह से। और भैया लोग पूछते हैं भैया इस पर वीडियो बनाइए। हाँ, एक चीज़ आज मैं और इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मेरे को बताना तो पहले चाहिए था कि एक वीडियो मैंने बनाया था अदरक वाला। आज जो है ना, वो अदरक का मैंने वजन पूछा था कि उसमें अदरक का कितना वजन है, जो भाई अदरक का सही वजन वेट बता देगा, मैंने उसमें कहा था। तो उसको मैं ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड उसके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा दूंगा, कोरियर चार्ज भी नहीं लूंगा। ये मैंने उसका मदर जो कल्चर था वो कल्चर पहुंचाने की बात की थी। तो उसमें कोई विवेक त्रिपाठी है, उन्होंने बिल्कुल सही उसका उत्तर दिया है, जिसका उन्होंने बताया है, आप उसके कमेंट्स में देख लीजिएगा। उन्होंने कमेंट्स किया है कि उसका वजन 1 किलो 450 ग्राम है, और ये बिल्कुल सही है, 1 किलो 450 ग्राम उसका वजन था। मैं विवेक जी से, अगर वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप, अब मैं कहूँगा वो अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर सब मेरे को भेज दें, जिससे मैं उनके यहाँ वेस्ट डिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।